लोगों के पास रिश्तों का मेयार रंग है। जी अगर रंग नहीं है तो लड़की की कोई दूसरी खूबी देखी ही नहीं जाती। ये बहुत ही अफसोसनाक हमारे माशरे का पहलू है कि हुस्न जमाल को, रंग और रौनक को रिश्तों के लिए बुनियादी हैसियत दी जा रही है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों के इंतखाब के सिलसिले में जो बात बयान फरमाई है वो है दीनदारी की, वो है उसके अच्छे अखलाक की, वो है उसके ताल्लुक माल्लाह की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिहि वसल्लम ने इस चीज़ को अहमियत दी है। अगर इंसान इसको मलहूज नहीं रखता है, महज दुनिया को और या हुस्न जमाल को मलहूज रखता है, तो अल्लाह ताला उस रिश्ते के अंदर बरकतें नसीब नहीं फरमाता है। हुजूर नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, वलअमतुल खरमाउ ज़ातु दीनिन अफ़दल, एक ऐसी लड़की है जो काली कलोटी है मगर दीनदार है, हुस्न अखलाक का पैकर है। तो फरमाते वो ऐसी कई हसीनों से अफजल है जिनके पास हुस्न तो है लेकिन अखलाक व किरदार का कोई पता ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं है। तो लिहाजा हमारी बहनों को जो ये फिक्र लाहक हो रही है हमारे समाज के इस बदतरीन अतवार की वजह से लाहक हो रही है, तो हम समाज को पाकीज़ा बनाने के सिलसिले में ये ज़रूर ख्याल रखें कि रिश्तों का जब भी इंतखाब करना चाहे तो हुस्न व जमाल की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो लोग हुस्न व जमाल को मरकज व महवर समझते हुए रिश्तों का इंतखाब करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कबाहत में, उनकी दनात में, गिरावट में ही इजाफा कर देता है, जिल्लत व खसासत में मुबतला कर देता है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको मेयार बनाने की तालीम नहीं दी है। मेयार क्या होना चाहिए? दिल की पाकिजगी का, अखलाक के संवरने का। खाली आज इसकी वजह से क्या हो गया है, माँ और बहनों के दिमागों में यही बैठ गया है कि भाई किसी तरह से जिल्द को सफाई को साफ करने की कोशिश करें, चाहे दिल गंदा हो, चाहे अखलाक खराब क्यों ना हो, किरदार कितना ही दागदार क्यों ना हो, उसके चक्कर में अब दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि शादी ब्याह के मौके पर दुल्हनों को अभी शादी खाने में पहुंची है, देखा जा रहा है तभी नहीं आई है, कहा क्या है, अभी ब्यूटी पार्लर गई हुई है, अभी वो बन सवर कर आ रही है। तो जाहिर है कि ये समाज के अंदर ये सूरतें पैदा हो गई है, उस पर काफी रकम खर्च की जा रही है और ये हुस्न जमाल को निखारने की फिक्र में खुदा की याद से गाफिल है, खौफ खुदा नहीं है। वो बेचारी अशर की नमाज भी नहीं पढ़ेगी, मगरिब भी नहीं पढ़ेगी, फिर उसके बाद जाकर निकाह के बाद शादी भी के लिए निशा की नमाज भी नहीं पढ़ेगी। क्यों? वो जो जेब वसीनत का एहतमाम की हुई है, जो वो अपने चेहरे पर मेकअप वगैरह की हुई है, वो मुतासर हो जाएगा अल्लाह की इबादत से गाफिल। हुस्न को दुनिया के हासिल करने की कोशिश, नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि उनकी गोद में जो औलाद परवरिश पा रही है और जो औलाद को बदनाम दे रही है, वो बेहया बेगैरत साबित हो रही है, या फिर शयातीन वबाएं और बलाएं उनको यरगमाल बना ले रही है। दुनिया की ये सारी मुसीबतें हमारे हाथों की लाई हुई है। अल्लाह ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, सारी मुसीबतें जो भी तुमको पहुंच रही है तुम्हारे अमाल के अंजाम में है, तुम्हारे हाथों की कमाइयां हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस सिलसिले में मियार जो किताब सुन्नत में मिला है उसको मियार बनाएं, उसके सिवा अपने तखय्युलात की दुनिया में जो मियारात बनाए हुए हैं इसको खत्म कर दें। जी।